भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी को यह वीडियो जाना चाहिए कि उसके छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। इस वीडियो को छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के पास जाना चाहिए कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में क्या हो रहा है। वो जो हम कहते हैं कि दो भारत बसता है, ये दूसरा भारत है। एक भारत वो है कि दिल्ली में कोई घटना घटित होती है, मैं ठीक है किसी घटना की संवेदनशीलता को कम नहीं आंकता, लेकिन दिल्ली में कोई घटना घटित होती है तो फैशन दिखाते हुए कई लोग, जिन्हें दर्द हो या ना हो, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, सेलिब्रिटी की मौत को दिन रात मीडिया दिखाते रहती है, आप देखिए ये दूसरा भारत है, जिनके लिए दर्द इस अंबिकापुर जिला मुख्यालय के युवाओं को भी नहीं है, वो इंस्टाग्राम में वीडियो डालने में व्यस्त है। इसलिए जितने भी पटवारी, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, ये सावधान हो जाए और हमारे आदिवासियों की जमीन को इस तरह से धांधलेबाजी करके। जहर का सेवन करा आदिवासी व्यक्ति की मौत मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से शिकायत कल हमने दिखाया था और खबर का असर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत डिगमा, ये वही ग्राम पंचायत है जहां पर उस व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति की मौत हुई थी, वो यहीं आया हुआ था और अभी उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका बयान नोट करने के लिए सीधा आयोग उनके दरवाजे तक आया हुआ है और उनसे हम जानेंगे कि दरअसल क्या उनके जांच में पाया गया और किसकी किसकी त्रुटियां पाई गई हैं। जी बोलिए, क्या पहले ये बताएं कि आप मृतक के परिजनों से मिले, उन क्या क्या लगा, क्या आरोप था उनका? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनी हुई है। हमारे पास इनका आवेदन आया हुआ था, क्योंकि मामला गंभीर था और मैं स्वयं यहां अंबिकापुर में उपस्थित था, तो मैं स्वयं चल करके यहां तक आवेदक के परिजन से मिल करके और उसमें क्या क्या खामियां हैं, किस वजह से इस तरीके की घटना घटित हुई है, इसकी जानकारी और बयान दर्ज करने के लिए आया था। आयोग को ऐसा महसूस होता है, अगर किसी बात के गंभीरता को समझते हुए, हम लोग का आयोग पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह जाती है, बहुत सारे मामलों में हम लोग आयोग में बुलाते हैं, बहुत सारे मामलों की जांच पड़ताल के लिए हमको स्वयं जाना पड़ता है। उसी बात को लेकर के आज मैं डिगमा गाँव में आया हुआ था। जमीन का एक मामला का समाचार आया था और समाचार के माध्यम से हमने उस पर संज्ञान लिया था। संज्ञान लेकर के जो आवेदन आया, उस आवेदन के गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं आवेदक के दरवाजे तक चल करके मैं आया हूँ। मैंने पीड़ित के परिजन से, उनके दोनों बेटों से, उनके भतीजा से और उनकी पत्नी से मैंने बयान दर्ज किया है और संबंधित जो यहाँ के पटवारी हैं, हल्का पटवारी, उनका भी बयान मैंने दर्ज किया है। और उस बयान के आधार पर जब हमारे यहाँ, जब इस मामले में सुनवाई होगी तो आगे की कार्यवाही हम वहाँ पर करेंगे। इस संबंध में ही मैं यहाँ पर आया था। क्या अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, क्या आपको लगता है कि ऐसे भोले भाले आदिवासियों का जमीन नहीं लूटा जा रहा है? जिस तरीके की ये जांच होगी, अब जो बात आया है, पटवारी ने जो बातें हमसे बोला कि भाई जो काश्तकार था वो स्वयं वहां पर उपस्थित था। काश्तकार के बेटों का कहना यह है कि पटवारी के पास जब हम लोग लेकर के गए थे अपने पिताजी को, तो पटवारी ने इस बात से इनकार कर दिया था कि मैं ये माखन नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास आया था। आज पटवारी ने जो बात यहाँ पर बोला है कि माखन स्वयं हमारे पास चल के आया था, तो ये हम अपने आयोग में इस बात को पूछताछ करेंगे और क्रॉस चेकिंग उसमें होगी कि क्या सही और क्या गलत है। जी जी, ये रहे इनके सरल स्वभाव के बारे में, जैसा बोला जा रहा था और खबर के माध्यम से जैसा इन्होंने बताया कि भारत सम्मान कि जो खबर थी उसको देखने के बाद आयोग खुद चल करके इनके दरवाजे तक आया और उनसे उनका बयान नोट किया। हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदिवासी युवा नेता जो आदिवासियों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं,
तो क्या लगता है कि भोले भाले आदिवासियों को किस कदर लूटा जा रहा है या उनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, क्या लगता है? मैं जंग सैपोया पारंपरिक आदिवासी महासभा की ओर से और मैं गांवगढ़ राज्य संगठन से भी हूँ। साथियों, इस समय मैंने पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को धमकी बार बार दे रहे हैं हम लोग कि किसी भी कीमत पे पटवारी और जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, इनका तत्काल जो है संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये लोग आदिवासियों की जमीन को बड़े पैमाने पे अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद भी गैर आदिवासियों को पैसा लेकर के, और अभी तो सरकार ये भी जो है ना सरकारी जमीन को कि आओ पैसा जमा करो और जो है ना तुम अपने नाम पर जितना चाहो उतना अपना जमीन खरीद सकते हो, ऐसा करके छूट दिया गया है। ये गलत है, गैर कानूनी है। यह भारत के संविधान के पांचवी अनुसूची जो 244(1) है, अनुसूचित क्षेत्र में प्रबंधन नियंत्रण करने का अधिकार हमारा है। पारंपरिक ग्राम सभा जो हमारे गाँव की होती है, चूंकि जमीन हमारी जो पटवारी या तहसीलदार या एसडीएम का नहीं होता, हमारे गांव में आज की डेट में जमीन का मालिक, चूंकि उसका पुजारी भी हमारे जो गांव की बैगा होते हैं, पुजारी होते हैं, माझी मुखिया अलवा सिरा गुड़ी प्रधान भोट पटेल होते हैं, उनका जमीन होता है। इसलिए जितने भी पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, ये सावधान हो जाए और हमारे आदिवासियों की जमीन को इस तरह से धांधलेबाजी करके, गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, फर्जीवाड़ा करके हमारे जमीन को बेचना बंद करें, अन्यथा हमारी जो जनता अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से हमारे लोगों को जहर देकर के उनके अपराधियों के द्वारा मारा जा रहा है, हम अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम जहां कहीं भी पाएंगे इस तरह से कि बिना ग्राम सभा अनुमति के कोई भी पटवारी कोई भी गद्दारी काम करता है या तहसीलदार एसडीएम गद्दारी काम करता है बिना ग्राम सभा की अनुमति के, तो हम वहीं धर के कूटेंगे। अब हमें जो है इंतजार करने का जरूरत नहीं है। मैं शासन और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि पटवारी, तहसीलदार होश में आए और हमारे साथ खिलवाड़ करना बंद करें, हमारे आदिवासियों की जमीन छीन करके गैर आदिवासियों को सौंपना बंद करें। ये मेरा संकल्प है और एक इसके साथ घोषणा है कि मैं पारंपरिक आदिवासी महासभा के मुखिया होने के नाते मैं यहाँ निर्देश देता हूँ कि ये इस तरह से ये लोग हमारी ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी कार्य न करें, और अगर करते हुए पकड़े गए और करेंगे भी तो फर्जी है और संवैधानिक है। इसलिए मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ये लोग गलत कार्य करना बंद करें, और यदि शांति और सुशासन चाहते हैं तो एसडीएम, कलेक्टर, यहाँ के पटवारी, यहाँ के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया, इसके ऊपर वो जांच स्तरीय कमेटी बैठाया जाए कि ये कहाँ कहाँ फर्जी किए हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूँ, यदि राज्य सरकार, आज कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी बैठे हुए हैं, यहाँ टीएस बाबा बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रेम साह यहाँ के मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामले में सरगुजा संभाग में जांच कमेटी बैठाया जाए और इनके ऊपर कड़ी जांच किया जाए इस विषय पर, और जितने भी अपराधी पाए जाते हैं सारे अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, तभी आने वाले वक्त में इनका दोबारा शासन आ सकता है, नहीं तो हम कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। ये रहे बड़े जोश के साथ में इन्होंने बताया कि दरअसल आदिवासियों की जमीन को किस कदर जहर खिला करके, मार करके, किसी तरह उनका किडनैप करके अपने नाम पे कराया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे और सामाजिक कार्यकर्ता जो शुरू से इस पूरे प्रकरण में नजर बनाए हुए हैं, इनके अनुसार जानेंगे कि दरअसल क्या लगा आपको अभी जैसे प्रशासन की अमला आई हुई थी और सारा कुछ, तो क्या आपको लगता है? देखिए, जहाँ एक और गरीब पीड़ित होता है, उसकी जमीन को अशिक्षा के कारण लोग छीन लेते हैं, उसके बाद उस जमीन को वापस पाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, इस बार तो उसको जान से गया है और पूरा प्रयास किए थे अपराधी लोग। सबसे पहले जो आपके दर्शक पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि भू माफियाओं के आतंक से सरगुजा थर्राया हुआ है, इसलिए हम सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट जो है जगह जगह गांव जाकर के समय दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। 35 डिसमिल जमीन, लाखों की जमीन को
मात्र 4,000 रुपए दे के झूठा फर्जी किसी और आदमी को खड़ा करके दर्री पारा निवासी व्यक्ति गुंडों के साथ मिलके, जिनको राजनीतिक संरक्षण है, प्रमाण के बाद मैं पूरा नाम लूंगा कौन मंत्री है और कौन लोग गुंडागर्दी करते हैं, उन्होंने जमीन को इनका फर्जीवाड़े से अपने नाम कर लिया। और जब इस बात की शिकायत 9 फरवरी को थाने में गए देने, तो अब समझ गए कि ये जो रजिस्ट्री है इसका फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा, तो उसको सुबह 5:30 बजे 10 फरवरी को गायब कर दिया गया और शराब में कुछ मिला करके पिला दिया गया। और शराब में मिला के पिलाने के बाद वो झाग फेंकने लगा उसके मुंह से और वो मर गया। और ऐसे कई घटनाएं हैं, आप सोच लीजिए कि यदि वो व्यक्ति चुपचाप सोया हुआ रह जाता तो ये बात भी सामने नहीं आता। बेचारे, आप देखिए इस ग्राम में जहां पर हम आए हुए डिग्मा में, उनको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे मर गया, उनको ये पता भी नहीं होता सुस्ते शराब पी के मर गया है। और ये कई जगह की घटनाएं हैं ऐसी, मैं आपको बताऊं। मैं थोड़ी सी राहत की बात यह है कि आज कल हम लोग गए थे अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष के पास इस पीड़ा को लेकर पीड़ित परिवार के साथ। उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई है कि स्वयं अपने पूरे प्रशासनिक अमले को लेकर के और यहाँ घंटों बैठे रहे, पूरा समय दिया और बयान दर्ज किए हैं, उन्होंने मामला पंजीबद्ध किया है, तो मैं उनके व्यवहार का और उनके कार्यशैली का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जैसा मुझे उम्मीद था उससे बढ़ करके ज्यादा की एक आम आदमी को जो उम्मीद होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहना चाहता हूं, इसी तरह का हमको चाहिए अन्य जगहों पर भी, अन्य अधिकारियों से भी। ये बैठे हुए जो बुलाते हैं कि बयान के लिए आओ, ये जो हम साहब बात चला रखे हैं, अरे भाई कोई SDM हो, कोई कलेक्टर है, साहब होगा अपने मातहत कर्मचारी का? वो आम आदमी का साहब नहीं है, वो आम आदमी के लिए लोक सेवक है। गंदे शब्दों में ये सब जनता के नौकर हैं, लेकिन आज ये नौकर ना केवल मालिक की तरह बात कर रहे हैं बल्कि ये अपराधी की तरह बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपराधियों की बोली बोल रहे हैं, बिल्कुल अपराधियों के जैसा कृत्य कर रहे हैं। बोली बोलने की बात नहीं है, अभी आपके सामने हमने देखा पटवारी को बुला करके और तमाम तरह के जितने बयान होते हैं, गवाहों के बयान जब माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के ले रहे थे, तो पटवारी से जब उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया कि जब व्यक्ति आया था जमीन बेचने के लिए तो कौन मौजूद था, तो बहुत देर तक जबान लड़खड़ा रहा था। मेरी जितनी भी जानकारी है, जितना शोध में मैं जानता हूं, उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने किसी बंदे नामक व्यक्ति का नाम लिया। हमने तुरंत फोन लगाया कि क्यों भाई, क्या ये बंदे नाम का व्यक्ति जो पटवारी कह रहा है आप मौजूद थे? उन्होंने, आप सबने देखा स्पीकर फोन ऑन था, और उसने कहा नहीं मैं कभी मौजूद नहीं था। स्पष्ट हो गया हम लोगों को कि पटवारी झूठ बोल रहा है। और जैसा कि कल मैंने आरोप लगाया था कि प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता से ही ये घटना घटित होती है। आप देखिए जिस गांव में आप चले जाए ऐसा दर्दनाक हादसा होता है इन लोगों के साथ कि इनको पता नहीं होता है कि इनकी जमीन कोई और ले गया है। ताजा उदाहरण, एक हमारे पास बूढ़ी माता जी बैठी है, माता जी आप आइएगा, आप इनकी पीड़ा सुनिए। आए थे दूसरे जांच में, अब ये देखे कि बड़े लोग आए हैं तो आप इनको सुनिए और इनके दर्द को समझिए। जमीन दलाल मर बहुत आते हैं और मुकेला धमकी देते हैं कि तुखे 1,00,000 रुपया भर नहीं थाना में का कर लेवे, 10 ठेले का के भर नहीं बोल रही कर नहीं का कर लेवे, तो मैं आखिर मुके तो डर लागत है। मोर कभी जमीन लाल लूटा थे, कौन लूटा थे दाई? सरपंच आज राधे लाल, वो बेच दो इस ग्राम पंचायत का सरपंच। हो तो बोले कहे कि माँ तो फिर जत हुई तब ना वो नहीं जाए उठे, दूसर से जाते, 4 से जाए 5 से जाए 6 से जाए, गाड़ी में जाए, बाइक में जाए, अभी लेडीज भी जाते हैं, तो मुंह के तो डर लागे थे उठे निकल लू करत रह थो आओ कहीं करत रह थो वो दिन मोह के कोई कहीं कर दे, तो मुंह के तो मुंह के डर है। अब मैं मोर का भी जमीन 80-90-60-70 ले ऊपर हुआ थे, मोर सास ससुर का, मोर भसुर का और काबिज है, तो मैं मुके कहीं उठे तो घर बना, मैं घर बना के हूँ, मैं काकरों में नहीं हूँ, मैं मोर जमीन में हूँ, लेकिन ओला कैसे बेच दे थे और कहे थे गाहक जाते, अब मैं कहूँ मैं नहीं बेचो, मोर एक बेटा एक मोर नाती है, कहाँ करूँ बोला मैं।
यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, इस बुजुर्ग महिला के चेहरे का भाव देख रहा होगा, तो देख लो कि उसके दर्द उसके पूरे चेहरे से नहीं, पूरे भाव में डर है, दर्द है। इस दर्द को किस कदर आप की भुना रहे हैं वह तो दिख ही रहा है। आप समझिए कि मैं साधारण शब्दों में बता दूं, वो जो हम कहते हैं कि दो भारत बसता है, ये दूसरा भारत है। एक भारत वो है कि दिल्ली में कोई घटना घटित होती है, मैं ठीक है किसी घटना की संवेदनशीलता को कम नहीं आंकता, लेकिन दिल्ली में कोई घटना घटित होती है तो फैशन दिखाते हुए कई लोग, जिन्हें दर्द हो या ना हो, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, सेलिब्रिटी की मौत को दिन रात मीडिया दिखाते रहती है, आप देखिए ये दूसरा भारत है, जिनके लिए दर्द इस अंबिकापुर जिला मुख्यालय के युवाओं को भी नहीं है, वो इंस्टाग्राम में वीडियो डालने में व्यस्त है। आप बताइए, इनके लिए कोई नहीं लड़ेगा, इनको यदि कोई इंसाफ नहीं मिलेगा ये कहां जाएंगे? नक्सलबाड़ी ग्राम से जो नक्सल समस्या उत्पन्न हुई ना, माफ कीजिएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आजाद भारत में मुझे ऐसी बात कहनी पड़ेगी, लेकिन बस्तर जैसे क्षेत्रों में ऐसे मामला कम है, क्योंकि उसमें मेरे जितने परिचित लोग हैं वो बताते हैं कि नक्सलवाद से वो लोग डरते हैं कि कोई आएगा और हमको मार के चला जाएगा। अफसोस की बात कहता हूं और मैं समझाता हूं और प्रयास कर रहा हूं इसलिए कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, भले ही व्यवस्था खराब है, हम उससे लड़ेंगे, परंतु आप सोच के देखिए, जिन्हें पता तक नहीं होता पटवारी कौन है, आरआई कौन है, तहसीलदार कौन है, चुपचाप अपनी जमीन में रह रहे हैं, दलाल आकर के अचानक से बोलते हैं कि 1,00,000 रुपए थाने में देंगे तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। थाना किसके लिए है भाई? आज ही मेरी बात हुई थाना प्रभारी जो लकड़ा जी हैं यहाँ के देहात थाने के, मैंने उनसे कहा कि जब आरक्षण आपको मिलता है, आप एसटी के खुद सदस्य हो, और इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि जितने भी तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, ये जो भी बनते हैं अनुसूचित जनजाति के, भारत के संविधान में आपको आरक्षण इसलिए दिया गया है कि आप जब वहां पर बड़े पदों पर रहेंगे तो आपके समाज के लोगों को कोई सताएगा नहीं। लेकिन अफसोस कि ये सब पैसे की भूख में भूल चुके हैं कि वो खुद भी इंसान है और उनके समाज के लोग कौन है। और इतने सालों के बाद आजादी के, आप मुझे ये बताइए, आरक्षण के नाम पे जिनके पेट में दर्द होता है, कहां है आरक्षण का लाभ, किसके लिए आरक्षण है, वो सब अपने आप को पद में जाने के बाद भूल जाते हैं। तो मैंने पूछा कि जब आपके पास 9 फरवरी को आया, आपने उसमें सहयोग क्यों नहीं किया? तो वो गोलमोल टालते रहे। एक उदाहरण भर दे रहा हूं मैं, बाकी यही स्थिति सभी की है कि आज जिन लोगों को आरक्षण दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, आरक्षण रोजगार नहीं है कि किसी को रोजगार के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जब अपने पावर में होंगे, उनके कलम में ताकत होगी, निर्णय में उनकी भूमिका होगी, तो उनके समाज के लोगों के साथ ये नहीं होगा। लेकिन आज हम 1947 में आजाद हुए, 2022 में हैं, और आप देखिए आज भी इनकी अशिक्षा, गरीबी और इनका लूट खसोट कर रहे हैं, तो हम किस देश की बात कर रहे हैं? किस जगह पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर गया है? हाँ, एक राहत की बात मुझे आज देखने को मिली कि अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष जब स्वयं यहां पर ग्राउंड में आकर के बयान लिए हैं, तो मुझे थोड़ी राहत की सांस ली मैंने। और इस मामले के लिए हमेशा हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आलोचना ही नहीं करेंगे, माननीय भूपेश बघेल को मैं धन्यवाद देता हूं और मांग करता हूं कि इसी प्रकार से कम आप एक बड़ा जांच दल, यानी कि प्रावधान है एसटीएससी का जो प्रिवेंशन का अधिनियम 1989 है, उसमें स्पेशल है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में प्रावधान है कि राज्य सरकार विशेष उपबंध कर सकती हो, नए नियम बना सकती हो, तो ये नियम बनाए विशेष तौर पे सरगुजा और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि पूरे 20 साल की जमीन की ये जांच कराए और जांच में पाए कि कैसे किस प्रकार से गुंडे और नेता इन लोगों को बरगलाते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक युवा लड़के को या किसी युवती को या किसी आदमी को नशे में लिप्त कराएंगे या उसको अपने प्रभाव में ले लेंगे, वो खुश हो जाता है कि मैं बड़े नेता के करीबी हूं। उसके बाद उसको कहेंगे कि तुमको क्या करना है, सिर्फ साइन कर देना खरीदते समय और बेचते समय, ताकि जेल भी जाएगा तो कौन जाएगा, वही जाएगा। कागज में अभी जैसे क्रेता है कोई मुंडा नामक व्यक्ति, मुझे लगता है कि उसे भी मुकेश मुंडा ये कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखिएगा जब जेल जाएगा तो मुकेश मुंडा जाएगा, और उसके हिस्से लाखों रुपए नहीं आए होंगे। ये लूटने वाले गुंडे हैं, और गुंडे किसके हैं
प्रमाणित होते ही हम नंगा करेंगे और बताएंगे कि जिस जगह पे तुम वोट लेने के लिए आते हो ना, उन गरीब आदिवासियों को जो लूट रहे हैं, ये जिस दिन एक हो गए ना, तो वोट के नाम पर छोड़ो, तुम्हें वो चोट मिलेगी कि दोबारा कभी भी तुम चुनाव में जमानत जब्त होगा तुम लोगों का। तो अभी हम जगह जगह जा करके इन्हें जगाएंगे और इसीलिए हम आए हैं। और माननीय भूपेश बघेल से मैं कहता हूं कि इसमें विशेष ध्यान दें और जांच कमेटी बैठाएं और इसमें 20 सालों की पूरी जांच करें कि किस प्रकार से कैसे वो इन चीजों को करते हैं और कैसे इतने दलाल फैले हुए हैं। और उन्हें गुंडों को बता दूं कि वो जो सोच रहे होंगे ना कि वो कानून जो है उन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सजा उसी को होगी जो क्रेता है। कानून जब अपना काम ईमानदारी से अगर करेगी तो लिंक के तार पूरी तरह जाएंगे मंत्रियों तक भी, और वो भी जेल जाएंगे, और हम अपने खून के अंतिम बूंद तक हम इनके लिए लड़ेंगे और जितना बन सकता है करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सम्मान और इसके जैसे मीडिया समूह का, जो भूखे प्यासे अपनी गाड़ी में खुद का पैसा किसी से 21 रुपया किसी 100 रुपया लेकर के आते हैं और आ करके पूरे दिन भर यहीं पर रहते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। और पब्लिक से मैं कहूंगा कि अगर आपके आंख का पानी नहीं मरा है ना, तो ऐसी चीजों को आगे बढ़ाइए और जागरूकता फैलाइए, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके द्वारा जो है बहुत अच्छे से बताया गया कि दरअसल न्याय कोसों दूर क्यों है, अगर कोसों दूर है तो फिर उसे नजदीक लाने का भी हम एक प्रयास कर सकते हैं। आप घटनाक्रम को संक्षिप्त में बताने के साथ में आप आज मिले आयोग के अध्यक्ष से, क्या लगा और क्या होना चाहिए था? देखिए, एक गौंड परिवार का व्यक्ति का जमीन की उसके जानकारी के बिना उसको शराब पिलाकर उसकी जमीन का रजिस्ट्री करा ली जाती पहले है, पहले तो हत्या किया या मौत हो जाता है, तो मौत से संबंधित शुरुआत कीजिए, जमीन तो है ही वह कारण। जी जी, उसको शराब पिलाया जाता है और शराब में जो है जहर मिलाकर उसको पिला दिया जाता है, यह समझकर कि ये भूमि विक्रेता मर जाएगा तो आगे उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस जमीन के लिए नहीं लड़ेगा, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ शासन से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का कानून मर चुका है, गुंडों के लिए काम करती है। जब मृतक के परिजन थाना गांधीनगर गए, टीआई अलरिक लकड़ा से निवेदन किए, तो उन्होंने डांट फटकार कर पीड़ित परिवार के लोगों को थाने से बाहर कर दिया गया। ऐसे निरंकुश अफसर थाना गांधीनगर का टीआई को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संज्ञान में लेते हुए ऐसे लापरवाह अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए और पुलिस अधीक्षक सरगुजा को भी इस जिले से तत्काल छुट्टी पर भेजना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूँ, ये दोगला लोग जब तक रहेंगे ये धरती पर हमारी जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। हल्का पटवारी, तहसीलदार, SDO, कलेक्टर सब इनसे मिलकर घूस खाते रहेंगे। सावधान हो जाओ बेईमान। मैं राष्ट्रीय महान गणतंत्र का पार्टी का जिला अध्यक्ष ऐलान करता हूं, ऐसे बेईमानों को मैं उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। जमीन के बारे में कुछ बोल रहे थे आप, जमीन क्या है, कैसा है, मतलब जमीन मुझे पता है, यह जमीन सिंगदो योजना की थी। इस जमीन का सीधा सीधा रजिस्ट्री नहीं हो सकता, कलेक्टर के न्यायालय में ऐसे भूमि को परमिशन के लिए आवेदन करना होता है, कलेक्टर की मंजूरी के बिना किसी तरह का कोई खरीद बिक्री का कार्यवाही नहीं किया जा सकता। वो पंजीयक अधिकारी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये सारे बेईमान चोर चोर मौसेरे भाई सारे लोग मिले हुए हैं, आंखों में इनकी पट्टी बंधी हुई है, इनको सभी बातें जायज लगती है, पैसे के बल पर नहीं होने वाले काम को भी ये कर डालते हैं। जी जी, जैसा कि बताया कि यहाँ का पटवारी जो है वह तो खुद ही कलेक्टर बन गया, सिंहदेव योजना की जो जमीन बताई जा रही है उसे रिकॉर्ड से ही गायब करके उसे धड़ल्ले से, मतलब भू माफियाओं के मिली भगत से उसे बेचने का कार्य किया जा रहा है, यह कैसे संभव है भाई? आप बताएंगे कि क्या आपको लगता है और क्या होना चाहिए था इस मामले में, और अभी जो जिस तरह का रुख जो है प्रशासन ले रही है। जब से ये निगम बना है यहाँ अंबिकापुर को, तब से यहाँ के आसपास की जितनी जमीनें हैं आदिवासियों की जमीनें विशेषकर,
यहाँ पर जो जमीन दलाल हैं इनको बहला फुसला करके और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं पटवारी आरआई तहसीलदार ये सब इन्वॉल्व रहते हैं और इनसे मिल करके ये सब जमीन फरोख्त करते हैं। चूंकि आज हमारे अच्छा लगा कि आयोग के अध्यक्ष आए और थोड़ा सा मेरे को विश्वास भी जग रहा है कि इस पर लगाम लगेगा लेकिन पूरी तरह नहीं लगेगा, हमें सक्रिय होना पड़ेगा और उसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा आपको आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आयोग ने खुद आपको ये कहा कि आपके टीवी के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा तब जानकारी मिली, ये बहुत अच्छी बात है और आयोग का आना बहुत ही अच्छा है। जी जी, यह बताए कि आयोग का आना बहुत ही अच्छा है बसर कार्यवाही में विलंब न हो, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा करते हैं कि न्याय यदि विलंब से मिले तो वह अन्याय लगेगा, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं सर्वाधिक समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमृत मरावी जी और मैं ये जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत यहाँ जो जनजातियाँ हैं उस सभी लोगों का मैं लीडर हूँ जी जी। और यहाँ जो घटना घटी जिस घटना से मैं अवगत हुआ और पीड़ितों से मिला और पीड़ितों से भी मैं जो जानकारी मिला उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, गुंडा राज चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ थाना प्रशासन पुलिस प्रशासन हमारे अनुसूचित जनजातियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उस पर स्पष्ट साबित हो जा रहा है कि यहाँ गुंडों का मवालियों का राज चल रहा है और आदिवासियों का जो जमीन है उसको दारू पिला के ठग के उसके साथ मिथ्या दस्तावेज करके, क्योंकि अभी हम लोग पटवारी साहब यहाँ उपस्थित थे तो उन्होंने ऋण पुस्तिका का मतलब निरीक्षण किया तो जो ऋण पुस्तिका जो घर में था उनके बड़े बेटे के पास था, माखन के बड़े बेटे के पास और जो रजिस्ट्री के लिए जो बंजे के पास जो प्रस्तुत हुआ वो दोनों में अंतर पाया गया। तो इससे साफ ये साबित होता है कि राजस्व विभाग पूरे आदिवासियों के जमीन को बेदखल करने के लिए दो ऋण पुस्तिका बनाए जा रहे हैं और फर्जी ऋण पुस्तिका बनाए जा रहे हैं जिसमें यहाँ के आरआई पटवारी और तहसीलदार मिले हुए हैं। इसे साबित होता है कि पूरे के पूरे यहाँ गुंडों का ही राज चल रहा है, हम लोगों का तो राज चल ही नहीं रहा है क्योंकि एक साथ एक ही व्यक्ति का एक ऋण पुस्तिका होता है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने भी इस बात को स्पष्टीकरण में लाया। तो आदिवासियों को इस तरीके से छल और कपट करके जमीनों को दूसरे के नाम से हस्तांतरण कर रहे हैं और हम आदिवासियों का घायल बना के दिन प्रतिदिन मार रहे हैं। एक आदिवासी भाई को माखन का डेथ हो चुका है, हम उसमें उस दुख में भागीदार हैं और मैं भारत सम्मान का भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाया और खुद आयोग ने चलकर पीड़ितों से मिले, इसके लिए मैं भारत सम्मान का धन्यवाद अर्पित करता हूं जिसके माध्यम से हमारे अनुसूचित जनजातियों को न्याय मिल रहा है। न्याय अभी मिला नहीं है, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी को यह वीडियो जाना चाहिए कि उसके छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। इस वीडियो को छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के पास जाना चाहिए कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद, भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।